अच्छा ये रोला का पार्क है, ठीक है, ये अपना जो रोला के पास बस स्टेशन है ना, वहाँ पे बसेज होती हैं, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट बस जो है वो ऑरेंज कलर की बस होती है, उसे इंटरसिटी बस कहते हैं, वो सीधी आपको ना तकरीबन कह लें कि दुबई के इंटर में लेके जाती हैं, ठीक है, यूनियन तक, तो वो लेती हैं 20 दिरहम। और ये जो मैं अभी बसेस में बैठा हूँ ये है शारजा, शारजा की बसेस, ठीक है, यहाँ से सहारा सेंटर, ठीक है, ये बड़ा फेमस प्लाजा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि दुबई के और शारजा के बॉर्डर के थोड़ा सा साइड पे, यानी कि है शारजा के अंदर, थोड़ा सा आप 15 मिनट की ट्रैवलिंग करें तो दुबई का बॉर्डर आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ से फिर दुबई की मेट्रो शुरू हो जाती है। इन्होंने मुझसे लिए 8 दिन, ठीक है, शारजा में आप बस पर कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी उतरते हैं, चाहे लास्ट स्टॉप पर चाहे 5 मिनट के फासले पर, आपसे 8 दिरहम चार्ज करते हैं, ठीक है, अगर आप कार्ड बनवाते हैं तो कार्ड आपको मिनिमम मिलेगा 50 दिरहम का, ठीक है, 50 दिरहम में आपका जो एक मरतबा का सफ़र होगा ना बस में वो 6 दिरहम का पड़ेगा, ठीक है, 5 दिरहम कार्ड की फीस होगी और वो हर ट्रिप जो है वो आपको 6 दिरहम का पड़ेगा। तो अभी मैं ये शारजा की बस में हूँ, ठीक है, जो कि मुझे लेके जाएगी सहारा सेंटर। अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली इंटरनेशनल सिटी दुबई, ठीक है, वहाँ पे मैंने एक जगह इंटरव्यू देने जाना है, तो देखिए अल्लाह खैर करे बात बन जाए। वो है एक्चुअली फर्नीचर की कंपनी, वहाँ सीएनसी मशीन्स और दूसरा काम है, तो मेरे रिलेटेड फील्ड जो आपको बता कि मैं सीएनसी मैकेनिकल प्रोग्रामिंग बीएमसी मशीनिंग वगैरह का करता हूँ, तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी कि मेरी जॉब का सिलसिला बन जाए, तो अच्छी सैलरी मिल जाएगी। मज़ीद मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ये मेरे रूम में एक मेरे दोस्त हैं, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बात करके तो मैं बताया, ठीक है, उन्होंने कहा जी चले जाओ, तो बाकी अल्लाह खैर करे जो भी बात होगी, तो वो मैं जा रहा हूँ। तो ये मैं आपको बताऊँगा, अभी मैं उस साइड पर कैमरा नहीं कर सकता क्योंकि लेडीज़ हैं, तो मुश्किल ना हो जाए, ठीक है ना, तो ये सारा सिलसिला ये आप बस देख रहे होंगे, इस तरह की बसें हैं शारजा में, ठीक है, तो बाकी चलते हैं और वहाँ सहारा सेंटर में उतरूँगा, सहारा सेंटर की वीडियो भी बना के आपसे शेयर करूँगा कि सहारा सेंटर कौन सी जगह है, और वहाँ से मैंने एक्चुअली थोड़ा सा पैदल भी वॉक कर लिया, तो पैदल चलेंगे, आपको बताएंगे कि आपके पैसे किस तरह सेफ होंगे। एक्चुअली मेरे पास ना मेट्रो का कार्ड नहीं है, ठीक है, तो अगर मेरे पास मेट्रो का कार्ड होता तो मैंने सहारा सेंटर उतरना था, और सहारा सेंटर से बस जा रही होती है मेट्रो की, ठीक है, वो मुझे सीधी लेके जाएगी अपना मेट्रो स्टेशन पर, ठीक है, तो वहाँ से अब मैं पैदल सफ़र करूँगा क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है, और कार्ड मिलता है मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर होता है ना, कोई भी मेट्रो ट्रेन का स्टेशन वहाँ से मिलता है, तो वहाँ से कार्ड परचेज करेंगे, ठीक है, और वहीं से बैलेंस करवाएंगे उसमें, तो बाकी जर्नी का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसी तरह से, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो बाकी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, यहाँ पे आपने अपनी सीवी ज़रूर बनानी है, जो भी आता है, डोविजल हो गया, गल्फ नौकरी हो गया, ठीक है, एक्सपर्ट टाइज एक्सपेक्टेड, इस तरह की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो एड्स आए होते हैं जॉब्स वगैरह के, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि आपने किसी भी अदारे एजेंसी वगैरह को पैसे नहीं देने, ठीक है, पहले खुद ट्राई करें, जो आपका प्रोफेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद किसी और फील्ड में जाएँ, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन होगा अगर आप उसमें ट्राई करेंगे तो आप बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो काम आता है, मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, और उसमें ज़रा फ्लेक्सिबल आपको काम भी मिल जाएगा, ठीक है, आपका एक प्रोफेशन जो है उस हिसाब से आपकी जॉब हो जाएगी। बाकी चार ही हैं, ये आपको दिखाता जाऊँगा साथ साथ, ये है अपना एमरेट्स पोस्ट ऑफिस के सामने ना, ये गोल चक्कर है उसका राउंड अबाउट, ठीक है, और यहीं पे अपना दमास बिल्डिंग भी है, ठीक है, वो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना वो बैक रही है दमास बिल्डिंग है, ठीक है, ये भी बड़ी फेमस बिल्डिंग है यहाँ की, ठीक है, रास्ता वगैरह नोट करने के लिए, तो बाकी सफ़र जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आपसे और बात होगी, अपना ये भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। एक जगह मैं और गया था, ठीक है, उसकी वीडियो भी मैंने एक बनाई हुई है, उसके साथ में मैं मेंशन कर दूँगा साथ, तो बाकी जो खाने वगैरह का चक्कर है, मैंने तो एक्चुअली ना मेरा एक दोस्त है तो रूम में, तो उसने खाना लगवाया हुआ था, लोग जो आके खाना ले जाते हैं ना, तो 5 दिरहम फी डे, उसमें एक रोटी और आपके सही सालन जो भी होता है, ठीक है, वो इतना सालन होता है कि वो कहने कि आपकी 2 रोटियां लग जाती हैं, एक रोटी मतलब एक टाइम में खा के फुल हो जाता है, तो
आप फिर वो सुबह के लिए थोड़ा सा रख लेते हैं, बाकी यहाँ पे एक दिरहम में पराठा और एक दिरहम में चाय, वो तो आपको पता ही होगा। तो पराठा थोड़ा अच्छा हो जाता है, चाय के साथ अगर आप खाली पराठा भी खा लेते हैं तो आपका गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पानी की बोतल आप लेके चलें, ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो आपको। और बाकी ये जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला बाकी का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी मैं उतरूँगा सहारा सेंटर, तो तब तक के लिए ये देखिए यहाँ पे अब रेडी। इस तरह के मॉल्स बड़े हैं, बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं, क्योंकि आपको हर जगह छोटे छोटे मॉल्स नज़र आएंगे, बड़े मॉल्स नज़र आएंगे, कैफेटेरियाज नज़र आएंगे। ये देखिए ये कैफेटेरिया, ठीक है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर खाने के लिए फिर लोग बाहर काम शाम के सिलसिले में होते हैं, तो इस वजह से। तो बाकी वीडियो लंबी हो रही है, बाकी एक शॉर्ट वीडियो और बनाएंगे तो फिर आपसे सारी बातें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लाइक नहीं करते अभी तक मेरी वीडियोस को, जो है ना वो तकरीबन कोई राउंड अबाउट 1500 व्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है, जो मैं पाकिस्तान में था। तो सब्सक्राइबर जो है ना वो जस्ट एक क्लिक नहीं आपने किया, और आई थिंक मेरा ख्याल है 46 सब्सक्राइबर हुए अभी तक। तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी भी सपोर्ट हो जाएगी, हमारा चैनल भी ज़रा गेन अप हो जाएगा। तो बाकी बात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामु अलैकुम।